दोस्तों, हम सब के पसंदीदा टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका का निधन हो गया है। इस निधन के बाद तारक मेहता के उल्टे चश्मे शो के प्रशंसकों को एकदम हिला कर रख दिया है और लोगों को सच में इतना ज्यादा झकझोर किया है कि इस बात को शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर नट्टू काका ने कब से हम सब के मनोरंजन का काम शुरू किया था और अब उनकी आखिरी विदाई कब और कहां पर होने वाली है, ये दुखद बात हम आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका यानी एक्टर घनश्याम नाइक का निधन हो गया है। वे पीछे कई महीनों से कैंसर से पीड़ित थे। कुछ महीनों पहले उनके दो ऑपरेशन भी हो चुके थे। वे 77 साल के थे। उम्र के कारण वे रोजाना शूटिंग पर नहीं जा पाते थे, लेकिन वे अभी तक तारक मेहता की टीम का हिस्सा थे। मलाड के जिस हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वही उन्होंने आखिरी सांस ली। उम्र के कारण वे रोजाना शूटिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन वे अभी भी तारक मेहता की टीम का हिस्सा थे। 3 अक्टूबर की शाम 5:30 बजे टीवी इंडस्ट्री के इस वेटरन एक्टर का निधन हो गया है। उनके निधन की खबर जब तारक मेहता की कास्ट को पता चली तो सभी लोग बेहद दुखी हुए। हैरान हो गए और बहुत ही ज्यादा दुखी भी हुए। बागा की भूमिका निभाने वाले तन्मय वखेरिया ने कहा कि मुझे सबसे पहले खबर मिली क्योंकि इनके बेटे ने मुझे शाम 5:45 पर फोन किया था। कुछ महीने पहले अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी घनश्याम नाई की हालत में सुधार नहीं हो पाया था। आखिरकार कैंसर के सामने उन्होंने अपनी जिंदगी को हार दिया और शाम 5:30 पर उन्होंने इस दुनिया से विदा ले लिया। आपको बता दें कि घनश्याम नायक उर्फ नट्टू काका जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी के बेहद ही करीब थे। हालांकि कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट के बाद भी घनश्याम नायक को विश्वास था कि वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और शूटिंग पर लौट आएंगे। इस दौरान उन्होंने कुछ एपिसोड की शूटिंग भी की थी। 3 महीने पहले जब अपने स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने बात की थी, तब वे तारक मेहता के सेट पर वापस आने के लिए उत्साहित थे। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हूँ, इतनी बड़ी समस्या नहीं है। वास्तव में दर्शक मुझे कल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक एपिसोड में देखने को मिलेंगे। ये एक बहुत ही खास एपिसोड है और मुझे उम्मीद है कि उन्हें मेरा काम फिर से पसंद आएगा। घनश्याम नाइक का कहना था कि वे एक कलाकार है और आखिरी दम तक काम करना चाहते हैं। उनकी इच्छा थी कि मौत भी उन्हें उनके परफॉर्मेंस के दौरान आए। हालांकि उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन गुजराती और हिंदी एंटरटेनमेंट और थिएटर इंडस्ट्री में उनका योगदान दर्शक हमेशा याद रखेंगे क्योंकि कलाकार का निधन जरूर होता है, लेकिन उनकी कला उनके पीछे उनके अस्तित्व का दिया हमेशा जला कर रखती है। बता दें कि घनश्याम नायक सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी अपने अभिनय से सभी को इम्प्रेस कर चुके हैं। वे साल 1960 में अशोक कुमार की फिल्म मासूम में एक बाल कलाकार के रूप में नजर आ चुके हैं। इसके बाद उन्होंने बेटा, तिरंगा, आंखें, लाडना, क्रांतिवीर, आंदोलन, बरसात, माफिया, चाहत, इश्क, चाइना गेट, तेरे नाम, हम दिल दे चुके सनम और खाकी समेत कई फिल्मों में भी काम किया था। दोस्तों, कमेंट में नट्टू काका को श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हम सब के पसंदीदा टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका का निधन हो गया है। इस निधन के बाद तारक मेहता के उल्टे चश्मे शो के प्रशंसकों को एकदम हिला कर रख दिया है और लोगों को सच में इतना ज्यादा झकझोर किया है कि इस बात को शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर नट्टू काका ने कब से हम सब के मनोरंजन का काम शुरू किया था और अब उनकी आखिरी विदाई कब और कहां पर होने वाली है, ये दुखद बात हम आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका यानी एक्टर घनश्याम नाइक का निधन हो गया है। वे पीछे कई महीनों से कैंसर से पीड़ित थे। कुछ महीनों पहले उनके दो ऑपरेशन भी हो चुके थे। वे 77 साल के थे। उम्र के कारण वे रोजाना शूटिंग पर नहीं जा पाते थे, लेकिन वे अभी तक तारक मेहता की टीम का हिस्सा थे। मलाड के जिस हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वही उन्होंने आखिरी सांस ली। उम्र के कारण वे रोजाना शूटिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन वे अभी भी तारक मेहता की टीम का हिस्सा थे। 3 अक्टूबर की शाम 5:30 बजे टीवी इंडस्ट्री के इस वेटरन एक्टर का निधन हो गया है। उनके निधन की खबर जब तारक मेहता की कास्ट को पता चली तो सभी लोग बेहद दुखी हुए। बागा की भूमिका निभाने वाले तन्मय वखेरिया ने कहा कि मुझे सबसे पहले खबर मिली क्योंकि इनके बेटे ने मुझे शाम 5:45 पर फोन किया था। कुछ महीने पहले अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी घनश्याम नाई की हालत में सुधार नहीं हो पाया था। आखिरकार कैंसर के सामने उन्होंने अपनी जिंदगी को हार दिया और शाम 5:30 पर उन्होंने इस दुनिया से विदा ले लिया।
आपको बता दें कि घनश्याम नायक उर्फ नट्टू काका जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी के बेहद ही करीब थे। हालांकि कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट के बाद भी घनश्याम नायक को विश्वास था कि वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और शूटिंग पर लौट आएंगे। इस दौरान उन्होंने कुछ एपिसोड की शूटिंग भी की थी। 3 महीने पहले जब अपने स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने बात की थी तब वे तारक मेहता के सेट पर वापस आने के लिए उत्साहित थे। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हूँ, इतनी बड़ी समस्या नहीं है। वास्तव में दर्शक मुझे कल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक एपिसोड में देखने को मिलेंगे। ये एक बहुत ही खास एपिसोड है और मुझे उम्मीद है कि उन्हें मेरा काम फिर से पसंद आएगा। घनश्याम नायक का कहना था कि वे एक कलाकार है और आखिरी दम तक काम करना चाहते हैं। उनकी इच्छा थी कि मौत भी उन्हें उनके परफॉर्मेंस के दौरान आए। हालांकि उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन गुजराती और हिंदी एंटरटेनमेंट और थिएटर इंडस्ट्री में उनका योगदान दर्शक हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि कलाकार का निधन जरूर होता है लेकिन उनकी कला उनके पीछे उनके अस्तित्व का दिया हमेशा जला कर रखती है। बता दें कि घनश्याम नायक सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी अपने अभिनय से सभी को इम्प्रेस कर चुके हैं। वे साल 1960 में अशोक कुमार की फिल्म मासूम में एक बाल कलाकार के रूप में नजर आ चुके हैं। इसके बाद उन्होंने बेटा, तिरंगा, आंखें, लाडना, क्रांतिवीर, आंदोलन, बरसात, माफिया, चाहत, इश्क, चाइना गेट, तेरे नाम, हम दिल दे चुके सनम और खाकी समेत कई फिल्मों में भी काम किया था। दोस्तों कमेंट में नट्टू काका को श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा।